पिछले 2 महीने से AQI लेवल काफ़ी कम हुआ है, जिसका कारण लगातार तेज हवा दिल्ली NCR में चल रही है, जिससे दिल्ली वासियों को बढ़ते प्रदूषण से काफ़ी राहत मिली है। इस वक्त मैं सफदरजंग बारापुला रोड पर हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सुबह का टाइम है और लगातार तेज़ हवा चल रही है, जिसके कारण जो पोल्यूशन है वो लगातार गिरता जा रहा है। और अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री टेम्परेचर और न्यूनतम 10 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज दिन में धूप निकलेगी, जो कि काफ़ी राहत देने वाली है। लगातार तेज़ हवा के चलते लोगों को ठंड का एहसास होने लगा था, जिसके कारण तेज़ हवा के चलते लोगों को AQI से भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। अगर AQI की बात करें तो दिल्ली का ओवरऑल AQI जो निकल के आया है वो 129 मॉडरेट PM10 निकला है। जिसके अलावा अगर हम लोधी रोड की तरफ रुख करें तो लोधी रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 133 है, यानी कि ये भी पिछले कई दिनों के अपेक्षा काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम दूसरी जगह यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें तो ये भी काफ़ी कम है, यानी कि 122 मॉडरेट PM10 है। इसके अलावा अगर हम नोएडा की तरफ रुख करें तो नोएडा का जो AQI लेवल है वो 151 है, यानी कि ये भी और दिनों के अपेक्षा काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम मथुरा रोड की तरफ रुख करें तो मथुरा रोड का जो AQI लेवल है वो 144 है, यहाँ पे भी काफ़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम गुड़गांव की तरफ जाएं और गुड़गांव का AQI लेवल चेक करें तो यहाँ पे 110 मॉडरेट PM10 आ रहा है। चूँकि गुड़गांव में पराली और तमाम चीज़ें होने की वजह से लगातार AQI लेवल बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन लगातार हवा तेज चलने के कारण AQI लेवल में काफ़ी कंट्रोल मिला है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।